दोस्तों, महाभारत को पढ़ना और लिखना हर व्यक्ति को चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों ना संबंध रखता हो, क्योंकि इसमें ज्ञान का वो अकूट भंडार है जिससे आप अपने जीवन को बेहतर और स्थिर बना सकते हैं। कलयुग के बारे में भी हमारे इसी ग्रंथ में बहुत कुछ बताया गया है। भगवान कृष्ण ने कलयुग के बारे में बहुत सी ऐसी बातें बताई हैं जिनसे पांडवों और बाकी के लोगों को उस समय के हिसाब से कलयुग का आभास हो गया था। अब जानते हैं कि उन्होंने क्या बताया था। दोस्तों, महाभारत हम सभी बचपन से देखते आए हैं और किताबों में पढ़ते रहे हैं, इसके बावजूद महाभारत के बारे में आज तक सही से कोई नहीं जान पाया। महाभारत काल में ऐसी कई बातें हुई थी या कही गई थी जो आज सच हो रही है। क्या आप जानते हैं, जिस कलयुग में आप और हम सांस ले रहे हैं उसकी कहानी तो भगवान कृष्ण ने आज से हजारों साल पहले पांडवों को बता दी थी। इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण ने पांडवों को उस कलयुग के बारे में भी बताया है। इसके बारे में शायद ही आपसे ज्यादा लोग जानते होंगे। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि कलयुग के उस रूप के बारे में जिसका जिक्र खुद भगवान कृष्ण ने किया है। महाभारत युद्ध के आखिर में जब पांडवों ने अपने आने वाले युग के बारे में भगवान कृष्ण से पूछा, तब भगवान ने उन्हें बताया था कि जो भी युग आएगा वो कलयुग कहलाएगा। भगवान कृष्ण ने पांडवों को तब कलयुग के बारे में ऐसी 5 कड़वी बातें बताई थी जिसे सुनकर पांडवों के भी होश उड़ गए थे। आइए जानते हैं वो क्या बातें थी। महाभारत काल में पांडवों के मन में कलयुग को जानने की इच्छा उत्पन्न हुई, तो उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा, कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, तब लोग विचार कैसे करेंगे और लोगों का कैसा व्यवहार होगा, उन्हें मोक्ष कैसे मिलेगा। पांडवों द्वारा पूछे गए प्रश्नों को सुनकर भगवान कृष्ण उन्हें जंगल में जाने के लिए कह दिया। उन्होंने कहा, तुम वन में जाओ और वहां जो कुछ भी दिखाई दे वो मुझे आकर बताओ। तब सभी पांडव जंगल में गए और वहां काफी देर घूमकर वापस लौट आए। सभी अलग अलग दिशाओं में गए थे और सबसे पहले युधिष्ठिर ने आकर भगवान कृष्ण को बताया कि मैंने एक 2 सूंड वाला हाथी देखा, जिसे देखकर मैंने बड़ा ही आश्चर्य अनुभव किया। तब भगवान कृष्ण ने कहा, कलयुग में ऐसे लोग राज करेंगे जिनके 2 मुंह होंगे, यानी वे मुंह से कुछ और बोलेंगे और करेंगे कुछ और। ये लोग दोनों तरफ से शोषण करेंगे। इनके चेहरे दिखाने वाले कुछ और होंगे और इनके असली चेहरे। इसके बाद भीम ने कहा, मैंने देखा एक गाय अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि उसका रक्त निकल आया, उसके शरीर से रक्त बहने लगा। भीम ने कहा कि वे इस दृश्य को देखकर दंग रह गए, क्या भला कोई माँ अपने बच्चे को इतना दर्द क्यों देगी। तब भगवान कृष्ण बोले, कलयुग में ऐसी ही ममता दिखाई देगी जिससे बच्चों का विकास रुक जाएगा। यदि किसी का पुत्र साधु बना तो सब उसके दर्शन करेंगे, लेकिन अगर खुद का पुत्र साधु बना तो दुखी हो जाएंगे। कलयुग में लोग चाहेंगे उनके बच्चे परिवार से बंधे रहें और मोह माया से दूर न हो, ऐसे में उस बच्चे का जीवन वहीं नष्ट हो जाएगा। इसके बाद भगवान कृष्ण बोले, कलयुग में पुत्र अपनी पत्नियों की अमानत होंगे और पुत्रियां अपने पति की अमानत होंगी, जैसे ये शरीर मृत्यु की अमानत है और आत्मा परमात्मा की। इसके बाद अर्जुन ने कहा, उन्होंने एक ऐसा अद्भुत पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी थी, लेकिन वह पक्षी एक मनुष्य का मांस खा रहा था। तब भगवान कृष्ण बोले, कलयुग में ऐसे ही लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, लेकिन उनकी मंशा यही होगी कि किसकी जल्दी मृत्यु हो और उसकी संपत्ति को हथिया लिया जाए। व्यक्ति चाहे कितना ही अमीर होगा, लेकिन उसकी नजर हमेशा दूसरों की संपत्ति पर रहेगी। तब ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो दूसरे के धन को छीनने के लिए आतुर होंगे, जबकि वास्तविक संत तो कोई कोई होगा। इसके बाद नंबर आया नकुल का। उन्होंने बताया कि उन्हें एक चट्टान को गिरते हुए देखा, जो बड़े बड़े वृक्ष भी उसे रोक नहीं पाए, लेकिन उस चट्टान को एक छोटे से पौधे ने आकर रोक दिया। उसका अर्थ श्री कृष्ण ने बताते हुए कहा, कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी, उसका जीवन का पतन हो रहा होगा। इस पतन को धन और सत्ता के वृक्ष से रोकने में वो सक्षम नहीं होंगे, परंतु उसका प्रयास अवश्य करेंगे, किंतु हरिनाम रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन स्थिर हो जाएगा और वह अपने जीवन के पतन से बच जाएगा। आखिर में सहदेव की बारी आई और उन्होंने कहा कि जंगल में उन्हें अनेक कुएं मिले, लेकिन उनमें केवल बीच वाला कुआं खाली था। ये कुआं सबसे गहरा भी था। ये देखकर वे दंग रह गए, भला इतना गहरा कुआं खाली कैसे हो सकता है। इस बात पर अर्थ बताते हुए भगवान कृष्ण बोले, कलयुग में धनी व्यक्ति पुत्र विवाह से लेकर अन्य कई तरह के उत्सव में पानी की तरह पैसा बहाएगा। जब वही व्यक्ति किसी भोखे को दिखेगा तो उसकी मदद करने में किसी को कोई रुचि नहीं होगी। इंद्रियों की संतुष्टि, मदिरापान, मांस भक्षण और व्यसन में धन खर्च किया जाएगा। जो मनुष्य इन आदतों से दूर होंगे उन पर कलयुग के अलावा परमात्मा का प्रभाव होगा। तो दोस्तों, ये थे कलयुग के 5 कड़वे सच जिन्हें भगवान कृष्ण ने पांडवों को बताया था। इनमें से
लगभग कृष्ण द्वारा कही गई सभी बातें आज सच हो रही हैं। लोग अमीर हैं तो अमीर बनते जा रहे हैं, लोग गरीब हैं तो गरीब बनते जा रहे हैं, लेकिन कोई भी दान नहीं करना चाहता, हर कोई धन का संचय करना चाहता है। आपको भगवान कृष्ण द्वारा बताई गई कौन सी बात आज सच लगती है, या आपको इनमें से कोई एक भी बात यदि झूठ लगती है तो हमें कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।